देखो बच्चों ये लिखा है बेस्ट मटेरियल। क्या लिखा है? बेस्ट मटेरियल को ही बोलते हैं इंग्लिश में गार्बेज। क्या बोलते हैं? कूड़ा करकट। लिखेगा कोई नहीं बच्चा, इसे बोलते हैं कूड़ा करकट। तो ये कूड़ा करकट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, बोलो बात। एक होता है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। तो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कौन कौन से होते हैं ये ध्यान से समझ लो। ये होते हैं रोटेन फ्रूट्स। रोटेन मतलब सड़े हुए फल होते हैं, वो डाल दिए जाते हैं डस्टबिन में। पील्स ऑफ वेजिटेबल, छिलके, पील्स वाले छिलके इसके सब्जियों के। अगला रोटेन फ्रूट, रोटेन फूड जो खाने खाना सड़ जाता है उसको भी क्या करते हैं, सॉरी फूड, हाँ खाना सड़ जाता है उसको भी डालते हैं उसमें, किसमें? बायो में। टी लीव्स, चाय की पत्ती भी डालते हैं इसमें, तो ये कहलाता है। और जो दूसरे होते हैं नॉन बायो वाले उन्हें बोलते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक होती है कभी नहीं गलती है, गिलास ये कभी नहीं गलती है, पॉलिथीन कभी नहीं गलती है, पॉलिथीन बैग। ये सारी चीजें हमारे इस्तेमाल में आ जाती हैं, इनको जमीन में गाड़ दीजिए निकाल के और ये डीकम्पोज हो जाती है, इनसे क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, जो कि खाद अपने हम पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें हैं इनके लिए इनसे खाद हम नहीं बना सकते हैं। ये डीकम्पोज जमीन में नहीं होती है, डीकम्पोज जमीन में नहीं होती है। तो सरकार ने गार्बेज को मैनेज करने के लिए या कूड़ा करकट को रखने के लिए दो डब्बे बताए हैं। एक होता है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल भरा जाता है और इसमें बायोडिग्रेडेबल यानी गीला कूड़ा भरा जाता है, इसमें सूखा कूड़ा भरा जाता है। तो इस वाले कूड़े को निकाल के जमीन में गाड़ देते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और इसकी खाद बन जाती है, और इस वाले से खाद नहीं बनती है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं 4R से। 4R का मतलब इसमें 4R है, कितनी R है? 4R, R, R और R और ये R है। एक R का मतलब होता है रीयूज। रीयूज का मतलब है कि हम जो बेकार चीजें हैं उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है तुम्हारा रिड्यूज। रिड्यूज वो चीजें हम अपनी रिक्वायरमेंट की खरीदें और खरीदने के बाद जो इस्तेमाल